हाय गाइस, वेलकम टू बैक जेके टेक सॉल्यूशंस। आज मेरा टॉपिक है रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। बेसिकली मैंने लास्ट 5 टॉपिक्स थे जो आपके एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम के, वो मैंने अपने सजेशन वीडियो में उसके लिंक्स मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं है रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम बताऊँगी कि किस तरीके से इसकी फंक्शन है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं और क्या इसमें होता है एक्चुअल में। तो जितने मैंने लास्ट बताए थे उनके नेम्स हैं, ए सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, सिंपल एयर इवेपोरेटिंग कूलिंग सिस्टम, बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम एंड बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिंग कूलिंग सिस्टम, और फिफ्थ आपका रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर कूलिंग सिस्टम। ये आपका सिक्स्थ है जो एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम का REC में आता है, रीजनरेटिव टाइप एयर कूलिंग सिस्टम। तो मेरा नाम है ज्योति और मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ इस टॉपिक के साथ में। इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी बेल आइकन राइट हैंड साइड में दिया है उसको हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बेसिकली क्या होता है हमारा रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। इस कूलिंग सिस्टम में एक हम रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर जो मैंने यहाँ पे RHE लिखा है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे रीजनरेटिव टाइप एयर कूलिंग सिस्टम के, तो हम सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में ध्यान देंगे कि कितने कंपोनेंट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये डायग्राम में भी दिख रहा है, मैंने यहाँ पे नीचे पर्टिकुलरली पॉइंट वाइज मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है सी, दिस इज द मेन कंप्रेशर। नेक्स्ट हमारा CC कंबस्टन चैम्बर सेकंड पॉइंट पे, देन हमारा गैस टरबाइन GT, फर्स्ट हमारा फिर यहाँ पे हीट एक्सचेंजर, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर या हीट एक्सचेंजर वन या नॉर्मल आप हीट एक्सचेंजर बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। अगर दोनों हीट एक्सचेंजर होते तो इसको हम फर्स्ट या प्राइमरी बोलते, इसको हम सेकेंड या सेकेंडरी बोलते। तो ये वाला हमारा रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है, ये हमारा कूलिंग टर्बाइन है। यहाँ पे एयर हमारी कूल जा रही केबिन में और यहाँ पे हमारा कूलिंग फैन क्या है ड्रॉन हो रहा है। तो जो बेसिक फंक्शन क्या होता है हमारा रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम का, वो ये होता है कि इसमें जो एडजस्टमेंट की जाती है कूलिंग सिस्टम की विद एक्सपेंशन ऑफ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। जो भी हमारी कूलिंग सिस्टम एडजस्टमेंट किया जाता है वो यहाँ पे विद एक्सपेंशन ऑफ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर से किया जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो एक नंबर सिम एकदम बेसिक है या समरी है पूरे टॉपिक की, वो ये है कि जो भी हम हाई टेम्परेचर एयर जो हमारी कंप्रेसर से हीट एक्सचेंजर में जाती है यहाँ पे कूल करते हैं हम रैम एयर से, जो एयर बनाया ये रैम एयर की हेल्प से यहाँ पे हम कूल करते हैं, देन वो हमारी जाती है यहाँ पे रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में। तो क्या करते हैं वहाँ पे एडिशनल कूलिंग हम प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पे हम एक एडिशनल, जैसे मैंने आपको लिखा है, एडिशनल कूलिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। उसके बाद आपका टरबाइन में चला जाता है, टरबाइन का कुछ पार्ट जो आता है फिर से हीट एक्सचेंजर में आ जाता है, यानी कुछ यहाँ पे जो कूलिंग होती है वो हमारे टरबाइन के एडिशनल जो कूलिंग और भी होती है हमारी टरबाइन की जो एयर कूल्ड होती है वो भी हमारी यहाँ पे कूल करती है। मतलब रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में जो कूलिंग होती है वो हमारी कूलिंग टरबाइन की एयर की हेल्प से होती है। जैसे यहाँ पे हमारी होती है रैम एयर की हेल्प से कूलिंग होती है, यहाँ पे हमारी कूलिंग टरबाइन की जो एयर होती है जिसका टेम्परेचर यहाँ की एयर से कम होगा तो वो कूलिंग हम यहाँ पे कराएंगे। उसके बाद नॉर्मली हमारी एयर चली जाती है केबिन में जहाँ पे हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए होता है। तो ये एक बेसिक समरी थी, लेकिन हमें तो एक्सप्लेन करके पढ़ना है, तो किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या इसके प्रोसेस है, कितने स्टेप्स में इन्वॉल्व है, क्या हमारा TS डायग्राम है, उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमारा प्रोसेस है 1-2, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक रैमिंग ऑफ एयर है। तो आप जैसा कि हमारे TS डायग्राम में भी देख रहे हैं जो कि साइड में बना हुआ है, उसमें क्या दिया गया है कि हमारा यहाँ पे क्या होता है आइसेंट्रोपिक रैमिंग ऑफ एम्बियंट एयर। जैसा कि मैंने ये जो हमारा डायग्राम बैक डायग्राम था इसमें भी मैंने ये चीज़ शो की थी, यहाँ पे क्या होता है आइसेंट्रोपिक रैमिंग ऑफ एटमोस्फेयरिक एयर या हमारी एम्बियंट एयर, वो था द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है आइसेंट्रोपिक रैमिंग ऑफ एम्बियंट एयर होती है फ्रॉम प्रेशर P1 to P2, जैसा कि आप TS डायग्राम में देख रहे हैं, एंड टेम्परेचर T1 to T2। यहाँ पे हमारी एंट्रोपी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, यानी S1 = S2, कोई भी चेंज नहीं होगा हमारे प्रोसेस 1-2 में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो स्टेप 2 है वो प्रोसेस 1-2 डैश है, जैसा कि आप TS डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी क्या होती है, ये एक्चुअल रैमिंग ऑफ एयर हो रही है। यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी या जो लाइन ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ है, अभी मैंने केवल डायग्राम बताया लास्ट में, मैं एक बार फिर से डायग्राम को ड्रॉ करके बताऊंगी। यहाँ पे मैंने डायग्राम इसलिए दे दिया ताकि आपको TS डायग्राम में समझ आ जाए, बट किस तरीके से ड्रॉ किया है ये मैं वीडियो क्लास में आपको अच्छे से बता दूँ। तो यहाँ पे आप केवल ये देखिए जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है, जो लाइनिंग है हमारी एक्चुअल रैमिंग की लाइन है जो,
वहाँ पे क्या है कि इंटरनल फ्रिक्शन या कुछ इरिवर्सिबिलिटीज होती है हमारे प्रोसेस में, एक्चुअल प्रोसेस में, क्योंकि ये फर्स्ट वाला प्रोसेस था हमारे आइडियल कंडीशन के लिए था, ये हमारे एक्चुअल कंडीशन के लिए है। तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहे हैं या इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट हो रहे हैं, इरिवर्सिबिलिटीज हो रही है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हमारा टी टू है वो टी टू डैश के इक्वल में हो जाएगा, एंट्रोपी क्या होगी आपकी स्लाइटली इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप थ्री पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस टू डैश टू थ्री और टू टू थ्री, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट टी टू टेम्परेचर है वो टी टू डैश के इक्वल है, मैंने इस वाले प्रोसेस में बताया था जैसा डायग्राम में दिख भी रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हैपन हो रहा है, यहाँ पे आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन मेन कंप्रेसर में हो रहा है, जो हमने ये लेआउट बनाया था यहाँ पे। इस वाले में क्या हो रहा है, प्रोसेस टू टू थ्री डैश में यहाँ पे आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन हो रहा है। आइसेंट्रॉपिक मीन्स एंट्रॉपी सेम होगी, तो आपकी एंट्रॉपी यहाँ पे सेम हो जाएगी, जो भी हमारी टी टू डैश पे एंट्रोपी है वही हमारी थ्री पे एंट्रोपी हो जाएगी, यानी एस टू डैश इज इक्वल टू एस थ्री, यहाँ पे एंट्रोपी सेम हो जाएगी। और टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, यानी टी टू डैश से हमारा थ्री पे इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे जो भी चीज थी या जो भी प्रोसेस यहाँ पे जो भी एयर की हैपनिंग हो रही है रेफ्रिजरेंट की तरह वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये हमारा आइडियल कंडीशन के लिए था। अब हम फिर से जैसे यहाँ पे हम एक्चुअल कंडीशन के लिए आए थे, अब नेक्स्ट हम फिर से यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन के लिए प्रोसेस में आते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है स्टेप हमारा फोर्थ है यहाँ पे। तो जो हमारा ये वाला प्रोसेस आता था प्रोसेस टू डैश टू थ्री डैश, ठीक है, जैसा कि आप थ्री एस डायग्राम में देख भी रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस था यहाँ पे मैंने बोला था कि जो मेन कंप्रेसर में क्या होता है कि मेन कंप्रेसर में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है और एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि आइडियल प्रोसेस, यही चीज़ हमारी एक्चुअल में हो रही है जो टू डैश टू थ्री में डैश में। तो क्या अगर एक्चुअल कंप्रेशन जो प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी कंप्रेशन हो रहा है वो इंटरनल फ्रिक्शन और इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से हो रहा है। तो जो ये कंप्रेशन हो रहा है इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से, तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ नोट की है आप ये देखिए कि जो टी है अपना टेम्परेचर वो इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू हमारा आइडियल कंडीशन प्रोसेस वाला। तो यहाँ पे टी इंक्रीज करेगा हमारा, जो कि डायग्राम में दिख रहा है कि किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है हमारे जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस से, ये हमारा यहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इसके बाद हमारा आता है स्टेप फाइव। स्टेप फाइव में जो हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व है वो हमारा प्रोसेस थ्री डैश टू फोर है। जिस तरीके से ये लाइन यहाँ पे शो हो रही है कि जो हमारी थ्री डैश से फोर जा रही है, नेक्स्ट हमारा फाइव आ रही है, जो ये डायग्राम टेस्ट डायग्राम में लाइन हमारी शो हो रही है, इस लाइन में बेसिकली क्या है कि ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। काफ़ी जगह पे ये चीज़ नहीं लिखी होती है, काफ़ी प्रोसेस में या काफ़ी जगह पे आप देखोगे यहाँ पे केवल ये बताएंगे कि यहाँ पे हो रही है कूलिंग ऑफ एयर बाय रैम एयर, नॉर्मल ये बोल देंगे कंप्रेस्ड एयर बाय रैम एयर, बट एक ये चीज़ बताते नहीं है जो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है हमारी हीट रिजेक्शन। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें बता दी कि किस तरीके से प्रेशर जो हमारा होगा यहाँ पे कांस्टेंट है, जो हमारे हीट एक्सचेंजर में कूलिंग होती है वो हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने वो चीज़ भी मेंशन कर दी है कि किस तरीके से कूलिंग होती है कंप्रेस्ड एयर की बाय रैम एयर इन हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे हमारा प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये चीज़ हमारे यहाँ पे ध्यान देने वाली है, तभी हमारे जो ईटीएस डायग्राम में है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, जितनी भी हमारी टिल्ट लाइन है या जो हमारी नॉर्मल कर्व लीनियर लाइन है, ये सारे हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, जो हमारे फेस ट्रांसफॉर्मेशन बताया था वो भी जो यहाँ पे भी ये चीज़ देख लीजिए कि किस तरीके से जो हमारा हीट एक्सचेंजर है यहाँ पे कूलिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ रैम एयर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, देन जो हमारी एयर आती है वो हमारी कूलिंग फैन में चली जाती है और नेक्स्ट जो यहाँ बची हुई एयर होती है हमारी रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में चली जाती है। तो जो अब हम पढ़ेंगे आगे जो प्रोसेस है हमारा यहाँ पे, स्टेप हमारे फाइव कंप्लीट हो गए थे, अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेस फोर टू फाइव। यहाँ पे जो प्रोसेस आपका है ये फोर टू फाइव है, यहाँ पे कूलिंग ऑफ एयर है रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में, जो कूलिंग हो रही है जैसा कि इस डायग्राम में भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे रिजनरेटिव कूलिंग हो रही है हीट एक्सचेंजर में, यहाँ पे क्या हमारी जो हीट एक्सचेंजर से हमारी कूल्ड एयर यहाँ पे जाती है, जो कूलिंग टर्बाइन की रिमेनिंग कूल्ड एयर होती है उसकी हेल्प से यहाँ पे हमारी कूलिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने जितने प्रोसेस यहाँ तक पढ़े हैं प्रोसेस फोर तक, वो सारे सिमिलर प्रोसेस थे या सारे सेम प्रोसेस थे जो हमारे लास्ट के फाइव जो कूलिंग सिस्टम थे उनके सारे सेम है यहाँ तक फोर, इसके बाद ही बदल रहे हैं। जहाँ पे इवेपोरेटिंग आता था वहाँ पे इवेपोरेटर लगा देते थे, या हमारा बूट स्ट्रैप में किस तरह से हम हीट एक्सचेंजर या कंप्रेसर हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ तक हमारे सारे सेम प्रोसेस रहते हैं, बस डिफरेंस जो आता है वो यहाँ के बाद ही आता है।
तो जो हमारा ये रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे भी हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा और जो भी हमारी हीट एक्सचेंजर से जो हमारी एयर आ रही है यहाँ पे कूल होके, यहाँ पे उसकी और ज़्यादा एडिशनल कूलिंग होगी विद द हेल्प ऑफ जो कूलिंग टरबाइन की एयर हमारी रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में आ रही है। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है प्रोसेस 5 to 6। तो जैसा आप टीएस डायग्राम में देख रहे हो किस तरीके से हमारा टेम्परेचर जो होता है डाउन होता है, तो जो 5 to 6 प्रोसेस है यहाँ पे हमारे जो कूलिंग टरबाइन कंपोनेंट है यहाँ पे क्या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है एयर का जो कूलिंग टरबाइन के अंदर होता है, जिसमें एक्सपेंशन होता है एयर का, ये हमारा जो होता है ये केबिन प्रेशर पे होता है जो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा है यहाँ पे जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो केबिन प्रेशर पे हो रहा है नीचे जो हमारी लाइन है। तो ये जो हमारा केबिन प्रेशर, ये कभी कभी हमारे आइडियल रैम प्रेशर के ऊपर भी ये लाइन शो हो जाती है, तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल पे कंडीशन पे बेस करता है कि हमारा टेम्परेचर किस तरीके से रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, किस तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे हमारे केबिन प्रेशर में, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे टेम्परेचर को काउंट करते हैं। तो अब हमारा जो प्रोसेस आता है वो स्टेप 8 है। स्टेप 8 में हम क्या करते हैं, प्रोसेस 5 to 6 था ये हमारा क्या हो जाएगा 5 to 6 हो जाएगा, ये हमारा आइसेंट्रोपिक के यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था, अब हमारा क्या होगा आइसेंट्रोपिक नहीं होगा, हमारा एक्चुअल एक्सपेंशन होगा एयर का आपका कूलिंग टरबाइन में। तो यहाँ पे हमने सीटी कूलिंग टरबाइन को लिख दिया है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल हमारी कूलिंग होगी, एक्सपेंशन होगा एयर का, उस तरीके से टेम्परेचर डाउन होगा या थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ पे इस प्रोसेस के पीछे यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे वही जो हम लास्ट में जितने भी एक्चुअल प्रोसेसेस थे सब में मैंने बताया था कुछ इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं या कुछ इंटरनल फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल एक्सपेंशन हो रहा है, डायग्राम में भी आप देख रहे हैं टीएस डायग्राम में भी। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था वो हमारा प्रोसेस 5 to 6 में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा 6 to 7 है। ये क्या, इट रिप्रेजेंट द हीटिंग ऑफ एयर अप टू केबिन प्रेशर। जैसा कि टीएस डायग्राम में आप देख रहे हो किस तरीके से हमें केबिन प्रेशर या जो हमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे है वहाँ पे पॉइंट जो है 7 डिनोट करता है। यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। हीट एडिशन का मतलब ये नहीं है कि केबिन में जाकर आपने हीट ऐड कर दी तो हमें कूलिंग नहीं मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है जब हम हीट ऐड कर देंगे तो कूलिंग कहाँ मिलेगी, हमें उस हीट का क्या करना है। यहाँ पे जो एडिशन का मतलब समझना है, एडिशन का मतलब होता है जो हीट हमारी या जो हमारी एयर आ रही है कूल्ड एयर, क्योंकि हम कूल्ड एयर भेजेंगे जब केबिन में तो वो कूल्ड एयर क्या होगी उस केबिन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये एडिशन है। एडिशन का मतलब जो हमारी कूल्ड एयर आ रही है वो हीटअप हो जाएगी और उस केबिन को कूलिंग देगी या जो भी कंफर्टेबिलिटी जोन है वो प्रोवाइड करेगी। तो उस एयर में हीटिंग ऐड हो रही है ना कि केबिन में हीट यहाँ पे ऐड हो रही है। तो ये सारे प्रोसेस थे, मैंने यहाँ पे आपको सारे कंप्लीट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस हैं, डायग्राम है। तो अब यहाँ पे हमारी बचती है कैलकुलेशन। तो मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ किस तरीके से प्रोसेस और उसके बाद कैलकुलेशन बताऊंगी और टीएस डायग्राम। अब मैं डीएस डायग्राम बताऊंगी उसके बाद कैलकुलेशन बताऊंगी, ये प्रोसेस है। तो टीएस डायग्राम को मैं जब यहाँ पे बनाऊंगी तो फिर से एक तरीके से हम यहाँ पे सारा कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि आप वीडियो पूरा कंटिन्यू एंड तक देखें कि क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो लाइन थी हमारी यहाँ पे, हमने ये टेम्परेचर डिनोट करता है, ये हमारी एंट्रोपी डिनोट करता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक ही तीन लाइन हम यहाँ पे कंप्रेसर। तो जो हमारा ये पॉइंट था यहाँ 0.1 से 2 तक, ये दो टेम्परेचर थे। जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था आइसेंट्रोपिक रैमिंग ऑफ एयर, आइसेंट्रोपिक रैमिंग ऑफ एयर में क्या हो रहा था हमारा सॉरी यहाँ पे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा था, एंट्रोपी क्या थी कॉन्स्टेंट थी। ये हमारा था आइसेंट्रोपिक या आइडियल रैमिंग, यहाँ पे आइडियल ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था प्रोसेस 1 to 2, तो हमारा क्या था एक्चुअल रैमिंग प्रोसेस, ये आइडियल था। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये हमारी एक्चुअल रैमिंग को शो करती है। इस एक्चुअल रैमिंग में एक पॉइंट हम 2 ले रहे हैं जो हमारे टेम्परेचर को ये लाइन इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारी एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, जो टेम्परेचर होगा हमारा वो T2 = T2 हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस 1 to 2 and 1 to 2 था। नेक्स्ट हमारा आता है जो मेन कंप्रेशन में हो रहा है प्रोसेस, ये लाइन हम स्ट्रेट ले जाएंगे टिल्ट अगर हो जाए, यहाँ पे स्केल नहीं है मेरे पास में। तो ये आपका 3, यहाँ पे क्या होता इस पॉइंट पे क्या होता आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन,
कंप्रेशन, ठीक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, मेन कंप्रेशर में हो रहा है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यही हमारा अगर एक पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 डैश इस लाइन को आगे बढ़ा, तो ये जो यहाँ पे इस तरीके से हम लाइन शो कर रहे हैं, ये हमारी एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर हमारा और बढ़ेगा, तो एक्चुअल कंप्रेशन यहाँ पे, ये जो प्रोसेस हमारा आता है 3-4, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा 4-5। 4-5 प्रोसेस में क्या होता है, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे भी हमारी क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में भी हमारी कूलिंग हो रही है एयर की, जो हमारी कूलिंग टर्बाइन से एयर आ रही है उसके थ्रू, तो ये हमारा यहाँ पे भी प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। ये पूरी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, जितनी भी लाइनें शो हो रही है सब कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर डाउन करेगा। अब हमारा लास्ट बचता है प्रोसेस 5-6, जहाँ हमारी कूलिंग टर्बाइन का प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है एयर का। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या होती है, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये रेड लाइन रेड पेन से कर रही हूँ, ये हमारी होती है केबिन प्रेशर। यहाँ पे मैं नोट भी कर रही हूँ, केबिन प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है हमारा जो भी एयर का कूलिंग टर्बाइन में, वो अप टू केबिन प्रेशर हो रहा है, जैसे मैंने प्रोसेस में भी बताया था। तो ये हमारा कांस्टेंट लाइन आएगी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और एंट्रोपी जो हमारी होगी S5 = S6, यहाँ पे ये एंट्रोपी हमारी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा होता है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोसेस बताए हैं सबके साथ आइसेंट्रोपिक के साथ एक्चुअल प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट हम 6 डैश ले लेते हैं, वहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका एक्चुअल प्रोसेस शो करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल एक्सपेंशन हो गया कूलिंग टर्बाइन में। लास्ट जो हमें चाहिए होता है 7 पॉइंट, यहाँ पे 7 ये 6-7 जो है, यहाँ पे ही हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या हमें कूलिंग जो केबिन में करनी है वो ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल रही है, मतलब हमारा जो आउटपुट है हमको अब मिल रहा है। हमने इतने सारे इनपुट देके आउटपुट जो फाइनल हमको यहाँ पे जो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए था वो हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो 6-7 क्या होगा, यहाँ पे हमारा हम एयर जो होगी वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्प्शन होगा एयर का, और कूलिंग यहाँ पे वो हमारे केबिन को प्रोवाइड करेगी। तो ये डायग्राम था, मैंने लास्ट में जो डायग्राम दिया था टीएस डायग्राम, डिटो यही टीएस डायग्राम था वहाँ पे, तो सेम है, बस वहाँ पे मैंने जो प्रोसेस को समझाने के लिए साथ में दे दिया था, यहाँ पे ये चीज बताई है कि किस तरीके से ये डायग्राम हमारा बन रहा है। आई होप अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि क्या डाउट है, मैं फिर से वीडियो में एडिटिंग करके उसको अपलोड कर दूंगी कि डायग्राम कैसे बनता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम यहाँ पे करते हैं कि किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन होती है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है हमारे जितने सारे प्रोसेस पढ़े हैं, बस सिंपल से 3 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। एक तो हमको मास निकालना पड़ता है, और दूसरा हमको यहाँ पे पावर निकालनी पड़ती है, और हमारा COP निकालना पड़ता। तो किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे वो हम दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि क्या हमने लिखा हुआ है, तो हमने लिखा है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन ES है, ये नहीं है बना दिक्कत आप लोगों को समझने में। तो ये क्यों है, ये टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन है, कूलिंग लोड है क्या, केबिन में हमारा कूलिंग लोड है। दूसरी चीज़ क्वांटिटी क्या है एयर की जो हमें चाहिए रेफ्रिजरेशन के लिए, रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन। तो हमने ये नॉर्मल फॉर्मूला जैसे किया लास्ट वाली वीडियोस में, आपने देखा होगा किस तरीके से मास को लिखते हैं। यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है, तो Q = mCp ΔT लास्ट वाले प्रोसेस में लगाएंगे तो ये चीज़ हमारी निकल के आएगी। अब हमें क्या पता है, क्योंकि यहाँ पे रिजनरेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं M1 लेते हैं, जो वो हमारा मास टोटल मास है जो हमारे मेन कंप्रेसर से जा रहा है, यानी जो ये डायग्राम है आपका, यहाँ से जो मास जा रहा है वो M1 है, टोटल मास हम किस तरीके से जा रहा है। और दूसरा है मास M2 जो हम मास ले रहे हैं वो है कि किस तरीके से कूलिंग टर्बाइन से जा रहा है। तो M1 मास यहाँ पे हो गया, M2 मास ये वाला हो गया। तो ये जो M1 मास है ये हमारा है टोटल मास ऑफ एयर ब्लीड फ्रॉम मेन कंप्रेसर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया M1 जो है मास ऑफ ब्लीड एयर है फ्रॉम कंप्रेसर से, M2 क्या है ये टोटल मास, ये जो हमारा मास है कोल्ड एयर का जो ब्लीड हो रही है कूलिंग टर्बाइन से रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के लिए। अब हमें निकालना है कि जो हम एनर्जी बैलेंस करेंगे हीट एक्सचेंजर की दोनों की, जो हमारा पहले वाला हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे ये 8 पॉइंट मैंने डायग्राम में दिखाया था, इसको मैंने बताया था कुछ एनर्जी यहाँ पे हमारी एग्जिट कर रही है कुछ एयर, तो क्योंकि बैलेंस करेंगे तो हमें, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं की जाएगी कोई चीज़ तो फट जाएगी नॉर्मल जो हम बताते हैं। तो यहाँ पे जब एनर्जी बैलेंस करेंगे रीजनरेटिव हीट एक्सचेंज के लिए इस तरीके से लिखेंगे फॉर
एनर्जी बैलेंस, ये जो चीज हमने लिखी है यहाँ पे फॉर एनर्जी बैलेंस ऑफ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के लिए, तो ये क्या हो जाएगी हमारी M2Cp, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा पहला वाला जो यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर था रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, तो ये हो जाएगा हमारा T8-T6-, ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस के लिए इज इक्वल टू जो हमारा मेन कंप्रेसर पे हो रहा था वो M1Cp T4-T5, ये हमारे दोनों हीट एक्सचेंजर को हमने बैलेंस किया है जो चीज यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से क्या करेंगे हम M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा Cp कट आउट हो जाएगा, तो M1 के साथ में क्या है आपका T4-T5 डिवाइडेड बाय हमारा T8-T6-, तो ये हमारी एनर्जी कंजम्पशन। और एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, जो टेम्परेचर T8 टेम्परेचर था ये हमारा क्या था, ये एयर लीविंग हो रही है एटमॉस्फेयर से जो हमारे रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर से हो रही थी, मैंने लिख भी दिया एयर लीविंग फ्रॉम लीविंग टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। तो ये हमारे यहाँ पे हमने M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली सिंपल तरीके से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे पावर, तो पावर किस तरीके से निकालेंगे हम, तो पावर के लिए क्या करेंगे हम, क्या रिक्वायर्ड है रेफ्रिजरेशन के लिए, पावर रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन हमने इतनी जगह काफी फार्मूले बताए थे, तो पावर का जो फार्मूला हमने नॉर्मल पढ़ा था पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन 60, ये किलोवाट में होता है। तो वर्क डन हमारा कहाँ पे होता है, कंप्रेसर पे, तो हमारे जो एक्चुअल ये प्रोसेस कहाँ मिलते हैं, हमारे कंप्रेसर पे मिलते हैं जो इस डायग्राम में हमने ये शो कर रखे हैं यहाँ पे, ये इस जगह पे मिल रहा है हमें T2-T3 तक। तो ये हमारा वर्क डन हो गया M1 Cp Δt T3-T2-, तो ये हमारा हो गया आपका वर्क डन, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 60 यानी MCp T3-T2-60, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे पावर। अब हम इसके निकालेंगे हमारा जो COP क्या है, ठीक है, तो COP क्या है, तो COP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो COP के लिए सबसे पहले हमने एक चीज लिखी थी, तो जो COP आएगा वो 210, या तो हम टेम्परेचर के फॉर्म में निकाल लेंगे जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट COP हमारा होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय हमारा जो भी हमारा इनपुट या वर्क डन मिल रहा है, तो हमारा इस फॉर्म में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं COP नॉर्मल सारी चीज़ें मिलती है, डिजायर्ड इफेक्ट हमें कहाँ पर मिल रहा है 6-7 मिल रहा है हमारा वर्क डन, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा जो हम लिखे हुए हैं, ठीक है। लास्ट में जो हमारा COP होता है इन टर्म्स ऑफ पावर, तो एक तो फार्मूला हमारा ये हो गया, दूसरा फार्मूला हमारा COP का हो जाएगा 210Q/P/60। तो ये हमारे तीनों फार्मूले कैलकुलेट हो गए कि किस तरीके से हमें कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने सारा बता दिया है किस तरीके से कहाँ पे कौन सी कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो भी चीज़ है हमने यहाँ पे कैसे क्या आई है हमने सब बता दिया है डायग्राम के साथ में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो चीज़ मैंने पहले बोली है वैसा ही परफॉर्म कर दीजिए आप पे। थैंक यू।